कर रहे हैं कैबिनेट की बैठक पे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान, लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही गिफ्ट मिलेगा लाडली बहनों को। 250 रुपए की रकम उनके अकाउंट में अगस्त की पहली तारीख को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना, और इसी योजना के तहत ये 250 रुपए भेजे जाएंगे, 1250 रुपए की राशि जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को ये खुशखबरी दी जाएगी। तो लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर एक उपहार, ये तोहफा राज्य के सरकार की तरफ से, और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संबंध में बैठक के दौरान ये फैसला लिया। और अब इसे जानकारी अभी निकल कर आ रही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में निर्णय लिया। कैबिनेट के सभी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कैबिनेट बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान किया। और अभी जानकारी मिल रही है कि 1 अगस्त को महिलाओं के बहनों के खाते में 250 रुपए डाले जाएंगे, 1250 रुपए की राशि आगे जारी होगी। और ये 250 रुपए अतिरिक्त उनके खाते में आएंगे और ये उनके लिए रक्षाबंधन का उपहार होगा। और ये उपहार काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि 1250 रुपए की राशि अलग से जारी होगी और ये लाडली बहना योजना की जो एक मुश्त राशि एक महीने में आपके खाते में पहुंचती है, उससे अलग 250 रुपए आपके खाते में आएंगे। यानी ये करीब 1250 रुपए में अगर आप 250 और जोड़ दें तो ये सीधा सीधा 1500 रुपए यानी 1500 रुपए की राशि हो जाती है, जो कि उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए काफी मददगार अपना साबित होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं या शहरी क्षेत्रों में रह रही हैं, जिनके पास बहुत अच्छा रोजगार नहीं है या आय का साधन सीमित है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी खबर ये तमाम लाडली बहनों के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली एक खबर है। सरकार की ओर से 250 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही गई है। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। वासु, रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खबर। निश्चित तौर पर देखिए, मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सावन का महीना है, सावन का अपना धार्मिक महत्व होता है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, जो मध्यप्रदेश में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर महीने लाडली बहनों की जो हितग्राही हैं उन्हें 1250 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इस महीने 1250 के साथ ही वो राशि तो जारी की ही जाएगी, लेकिन उसके अतिरिक्त 250 रुपये की जो राशि है वो लाडली बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। अगस्त की पहली तारीख को ये राशि डल जाएगी, ताकि जो बहनें हैं, जो लाडली बहनें हैं, वो धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकें। सावन के महीने में जो अलग अलग पूजन पाठ अनुष्ठान का दौर चलता है, उसमें वो पूरी तरह से सम्मिलित हो सकें और इस त्यौहार के सीजन को एंजॉय कर सकें। इस योजना के पीछे का मकसद भी यही है कि जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जिनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता था, उनके हाथों में शक्ति दी जाए, उनको सशक्त किया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, ताकि वो अपना भरण पोषण और अपनी जो छोटी छोटी जरूरतें होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको अच्छी तरह से पूरा कर सके। तो 1250 रुपए के साथ 250 रुपए का बोनस आप इसे कह सकते हैं, रक्षाबंधन के त्यौहार पर मध्यप्रदेश सरकार का तोहफा आप लाडली बहनों को कह सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से लगातार बात हो रही है, मांग हो रही है, उस दिशा में एक और कदम भी आप इसे कह सकते हैं। जी, 1 अगस्त को मध्य प्रदेश की उन लाडली बहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा वासु, और 1250 रुपए की जो राशि है वो यथावत जारी होगी और ये 250 रुपए अलग से सरकार देगी। चूंकि रक्षाबंधन में जब भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं, तो भाई अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद के साथ कुछ उपहार भी देते हैं, और अगर छोटे हैं तो भी वो उपहार तो देते ही हैं। तो ये राज्य सरकार की जो योजना है, एक बड़े भाई के तौर पर एक उपहार के रूप में जाएगी और लगभग 1500 रुपए की एकमुश्त राशि सीधा महिलाओं के खाते में जाएगी, जो ऐसी महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उनके लिए कारगर साबित होगी। निश्चित तौर पर देखिए, इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखकर इस पूरी योजना को बनाया गया था कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। वासु, किस तरह का शोर है आपके पीछे, जरा आप अगर दिखा पाए वो पूरी हो सके अपने डीजे से। अब बिल्कुल देखिए, अब कार्यक्रम जो है वो लगातार कई चल रहे हैं और युवा जोश जो है वो जरूर आपको मेरे पीछे यहाँ पर आवाज नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यूथ जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में, गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है। बड़ा दिन भी है, बजट भी आ रहा है और इसके साथ ही कई जो गैदरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी चल रहे हैं, तो दोनों के मिले जुले जो असर है वो कहीं ना कहीं इस जोश में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ना देखिए, युवाओं का जोश यहाँ पर दिख रहा है, बहनों के जोश को हाई रखने के लिए यहाँ पर सरकार ने कदम भी उठा दिया है कि राखी से पहले उनको ये तोहफा मिल जाएगा, 250 रुपए की रकम उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी।
आप बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस सरकार का कहा जाएगा, क्योंकि देश की आधी आबादी, लेकिन पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए। अब महिलाएं सिर्फ घर नहीं चलाती हैं, महिलाएं देश चलाती हैं। देश की राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, निर्मला सीतारमण अभी बजट पेश कर रही थी, तो ऐसे में हमारी ग्रामीण महिलाएं क्यों किसी चीज में पीछे रहे। उनके हाथों को ताकत देना, उनको मजबूत करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, और इसीलिए लाडली बहना योजना शुरू हुई। और जब भी कोई वार त्योहार होता है, पहले भी हमने देखा कि इस तरीके के बोनस जो है वो महिलाओं को दिए गए, सीधे उनके खातों में राशि को ट्रांसफर किया गया। और एक बार फिर जब अब मौका आया, रक्षाबंधन का पर्व है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, महिलाएं बड़े पैमाने पर इस पूरे महीने में व्रत रखती हैं, विशेष पूजन पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं, तो ये जो 1500 रुपए इस महीने मिलने जा रहे हैं, 1250 प्लस 250 रुपए, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी मदद, बड़ी आर्थिक मदद और बड़ा सहयोग। और जब देखिए, आप आर्थिक रूप से जब ताकतवर होते हैं तो आप के अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, एक खुशी होती है, हाथ में भी अगर लिक्विडिटी है तो आप कोई भी काम करने के लिए इरादे बना सकते हैं, और इरादे हैं तो फिर हौसले बुलंद होते हैं और फिर कुछ भी नामुमकिन नजर नहीं आता। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। यहां बजट पर लगातार खबरें आगे जारी रहेंगी।